साल पहले जब भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में लगे हुए थे, प्रचार में लगे हुए थे, तो किसानों के लिए काफ़ी लुभावने वादे करते हुए वो उस समय चुनाव जीतने में सक्षम हुए थे। चुनाव जीतने के बाद और सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद किसान जब उनसे मिले, उनका जो कृषि मंत्री से मिले कि जो वादा था स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश लागू करना कि जो उत्पादन का खर्च है उससे कम से कम 50% ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य हो और ये सुनिश्चित करे, तो तुरंत हमको ये जवाब मिला कि ये सिर्फ चुनावी जुमला रहा है और इसको लागू करने वाला नहीं है और किसानों का खुदकुशी बंद होगा, ये एक और वादा था। जबकि पिछले पहला 3 साल का जो आंकड़े है, लगभग 36,000 किसान खुदकुशी किए हैं, इससे बहुत ज़्यादा, सही मायने में अगर देखें इससे भी बहुत ज़्यादा है। कुछ राज्य बिल्कुल कोई खुदकुशी नहीं हुआ इस तरीके से दिखा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा भाजपा शासित महाराष्ट्र में लगभग 12,000 किसान 3 साल में खुदकुशी किए हैं। और भाजपा और एनडीए शासित प्रदेश का अगर हम देखें, 70% से ज़्यादा किसानों का खुदकुशी इन राज्यों में हो रहे हैं। तो ये लगातार जो किसानों को वादे दिए हैं उससे वादा खिलाफी, उनका वादा खिलाफी जो है उसके खिलाफ लगातार संघर्ष होते रहे हैं। हम लोग देखे हैं कि नासिक मुंबई लॉन्ग मार्च हुआ, हज़ारों किसान जो लगभग 200 किलोमीटर वहां चले और उसके बाद वहां का भाजपा सरकार उनका मांगों पर एक लिखित अग्रीमेंट करना पड़ा। राजस्थान में बड़े बड़े आंदोलन हुए, सीकर में, हिमाचल में हुए, हरियाणा, देश के सभी राज्यों में इस सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन रहा है। जो मंदसौर कांड हुआ जिसमें मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार 6 किसानों को गोली मार दिया गया, उसके बाद देश के लगभग 200 से अधिक किसान संगठन एक साथ आके अखिल भारतीय किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी बना, जो आज नासिक मुंबई लॉन्ग मार्च से प्रेरित एक किसान मुक्ति मार्च 29 और 30 को दिल्ली में 4 जगहों से, दक्षिण के ओर से बाला साहेब गुरुद्वारा कर, बिहार यूपी वगैरह से जो आएंगे वो आनंद विहार या शाहदरा से, हरियाणा पंजाब वगैरह से जो आएंगे वो मजनू का टीला से, और उसी तरीके से इस साइड गुड़गांव साइड से जो किसान आएंगे वो महिपालपुर से। इसमें हज़ारों की संख्या में लोग पैदल चलेंगे किसान, और वो रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे और 30 तारीख को रामलीला मैदान से पार्लियामेंट तक उनका एक किसान मुक्ति मार्च चलेगी। किसान चल रहे खास करके एक पूरा सेशन पार्लियामेंट, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट को, किसान से जुड़े हुए मुद्दों को के बारे में चर्चा हो, उसके साथ साथ जो कृषि संकट है उसका उसके बारे में चर्चा हो, और 2 किसान मुक्ति बिल जो है, जो किसानों के आंदोलन ही सामने ले आया है, एक तो कर्जा मुक्ति के लिए और फिर किसानों को एक सही दाम, उनके फसल के लिए सही दाम सुनिश्चित किया जाए और एक गारंटी दिया जाए, ये 2 कानून भी इस पार्लियामेंट सेशन में पास हो, ये मांग को लेते हुए हम लोग हज़ारों की संख्या में किसान चलेंगे ये किसान मुक्ति मार्च में, और 30 तारीख को लाखों किसान दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन करेंगे। उतना ही नहीं, उनके उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए हज़ारों की संख्या में आम जनता भी इसमें भाग लेगी। ये जो आंदोलन है, लगातार किसानों को जो धोखा दिया है मोदी सरकार और बीजेपी द्वारा, उसके खिलाफ एक किसानों का एक एकजुटता, और 4 साल में समाज के सभी तबका बेहाल है इनके नीतियों के चलते, तो वो सभी लोग इसमें शामिल होंगे, उनका गुस्सा जाहिर करेंगे और आने वाले दिनों में ऐसा एक माहौल इस देश में बनाएगा कि कोई भी ऐसा पार्टी ना हो जो किसान विरोधी हो और सत्ता में वो आ सके। तो ऐसा एक माहौल बनाएंगे
कि किसान विरोधी जो आज के दिन सरकार है उसका हार के लिए हम लोग सभी एकजुट होकर काम